सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी कोतवाली में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी त्योहार नवरात्रि को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। नवागत उप जिलाधिकारी शिव मूर्ति सिंह ने कोतवाली क्षेत्र से आए समस्त सम्मानित लोगों से मूर्ति स्थापना एवं मूर्ति विसर्जन में आ रही बाधाओं को तुरंत सूचित करने को कहा, जिससे किसी प्रकार की सांप्रदायिक माहौल खराब न हो। इस मौके पर थानाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, SI रविकांत मणि एवं अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। स्वामी चिन्मयानंद केस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ऋचा सिंह शुक्रवार को अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जेल में दुराचार पीड़िता से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली, इसलिए जेल गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज 5 सदस्यीय महिला प्रतिनिधि मंडल, जिसमें रेखा उपाध्याय जी, सभिया मोहानी जी, नाहिदारी जी, निधि यादव जी और कृष्णमा जी शामिल थी, हम लोग आए हुए थे यहाँ पर। जिला प्रशासन को कल ही इस बात की सूचना दे दी गई थी कि हम लोग पीड़िता से मिलने आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जब जिला प्रशासन के माध्यम से परमिशन लेने के बावजूद हम लोग जिला कारागार पहुंचे, तो हम लोगों को वहां पे प्रतिनिधिमंडल को मिलने नहीं दिया गया और जिला कारागार ने इस बात। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के तरकुलवा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काफी दिनों से फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। उसी दिन लेट आवर्स में उसकी शिनाख्त छोटे लाल के रूप में हुई थी, जो गोपालगंज थाना फुलोरिया क्षेत्र का रहने वाला था। इस संबंध में पुलिस ने अपनी विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की और जब सघन सुराग रसी और पता रसी किया तो उसमें पता चला कि उसी का साढ़ू उस घटना में इन्वॉल्व है और उसने अपने 3 साथियों के साथ ये घटना कार्य की है। पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान एक व्यक्ति दीपक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।